गाइस, एक बार गांधी जी ट्रेन में साउथ अफ्रीका जाने के लिए सफर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट क्लास का टिकट सिर्फ गोरे लोगों के लिए उस वक्त था। असल में उस समय साउथ अफ्रीका में रंग भेद चरम पे चल रहा था, इसलिए वहां की ट्रेनों में भी फर्स्ट क्लास को गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखा था और सेकंड क्लास काले लोगों के लिए था, जिसमें भारतीय भी शामिल थे। लेकिन इस बात से अनजान गांधी जी फर्स्ट क्लास में टिकट करवा बैठे और जब उनमें बैठे लोगों की नजर गांधी जी पर पड़ी तो गोरे लोगों ने गांधी जी को धक्के मार मार कर ट्रेन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांधी जी ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन गोरों ने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि जब तक मैं इस रंग भेद को खत्म नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और फिर शुरू हुआ गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के 21 साल लगा दिए। गाइस, हमारे भारत देश का एक छोटा सा हिस्सा जो कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीन जैसा देश किसी भी कीमत पे उसे हड़पना चाहता है। जी हाँ गाइस, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से सटे हुए इस छोटे से हिस्से का नाम है चिकन नेक और ये करीबन 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चीन इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। दरअसल इस हिस्से से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक जाती है, क्योंकि उसे नॉर्थ ईस्ट के किसी भी इलाके को हड़पना है तो पहले उसे चिकन नेक पर अपना कब्जा जमाना होगा, क्योंकि जहां से इंडियन आर्मी उन नॉर्थ ईस्ट इलाकों तक सुरक्षा पहुंचाती है। और अगर इसी पर उसने कब्जा कर लिया तो वो इस रास्ते से पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अपना कब्जा कर लेगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि चीन का ये गलत मंसूबा पूरा हो पाएगा, वो भी हमारी इंडियन आर्मी के रहते। गाइस, आपके वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स को चुराने के लिए जो एप्स दिन रात काम कर रहे थे, रिसेंटली फेसबुक ने ऐसे 400 एप्स की लिस्ट निकाली है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारे के सारे एप्स गूगल प्ले स्टोर पर 5 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। वहीं जब आप इन एप्स को यूज करने के लिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो ये एप्स आपको साइन अप या फेसबुक से लॉगिन का ऑप्शन देते हैं, लेकिन आप जैसे ही फेसबुक या ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो वैसे ही आपके पासवर्ड को हैक करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और इनमें से 42% एप्स फोटो एडिटिंग एप्स हैं। इसके अलावा बिजनेस एप्स, गेमिंग एप्स और लाइफस्टाइल एप्स भी इस लिस्ट में शुमार हैं। सो गाइस, अपने मोबाइल में जरा जाके चेक करिए कि कोई ऐप आपके पासवर्ड चोरी तो नहीं कर रहा। इसको जाके फटाफट से अनइंस्टॉल करिए और अपने आप को सिक्योर करिए। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।